अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी कुछ ऐसा ही रुख है। विदेशों में जो खाने के तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से भी भारतीय सोयाबीन की कीमतों में तेजी है। लेकिन इसी बीच जब सोयाबीन के दाम उछलने जा ही रहे थे, ऐसे में जो पोल्ट्री उद्योग है भारत का, उसने फिर से सरकार को पत्र लिख दिया कि जो जीएम सोयामील है, जो सोयामील है, उसका आयात किया जाए, क्योंकि जो कीमतें हैं वो ऊंची हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन सोपा ने इस चीज़ को करने से सरकार को मना कर दिया है। सोपा ने भी सरकार से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि सरकार ऐसा ना करे, क्योंकि साल 2021 में भी हमने देखा था कि बुआई का समय चल रहा था, पोल्ट्री उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया था कि जीएम सोयामील का आयात किया जाए, सरकार ने कर भी दिया था। उस दौरान जो सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो उनमें बेतहाशा गिरावट आई थी, लेकिन उस दौरान भी पोल्ट्री उद्योग ने सोयाबीन का स्टॉक नहीं किया था, वो पोल्ट्री की गलती थी। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, बुआई का सीज़न नज़दीक है सोयाबीन का, कुछ ही महीनों में बुआई होनी है। अब फिर से वही सिनेरियो 2021 वाला सीन बनता नज़र आ रहा है, जब सोयाबीन के प्राइसेस ऊपर हैं और बुआई नज़दीक है, उसी दौरान फिर से मांग की जा रही है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि ये जो तेज़ी आई है ये वास्तविक तेज़ी है, ये बनाई गई तेज़ी नहीं है। रशिया यूक्रेन की वजह से कई कम्योडिटीज़ के दाम उछले हैं, जिसमें तेल तिलहन भी एक हैं, और सिर्फ सोयाबीन ही अकेली नहीं है जो पोल्ट्री की लागत बढ़ा रही है। अनाज उठा के देख सकते हैं, अनाजों में आपका बाजरा महंगा हो चुका है, आपका गेहूं महंगा हो चुका है, आपका मक्का महंगा हो चुका है। मक्का और गेहूं अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसकी वजह से जो सोयाबीन है वो भी महंगी हो रही है। तो पोल्ट्री में सिर्फ सोयाबीन इकलौती नहीं है जो महंगी हुई है। तो सोपा का यही कहना है कि जो तेज़ी आई है वो पूरे वर्ल्ड वाइड आई है, वास्तविक तेज़ी है, बनाई गई तेज़ी कुछ भी नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और पोल्ट्री को जब सस्ते दामों पर सोयाबीन मुहैया हो रही थी, बाज़ार में उपलब्ध थी, तब पोल्ट्री ने अपना स्टॉक क्यों नहीं करा? सोपा का और व्यापारियों का और किसानों का ये भी सवाल पोल्ट्री से लाजमी है। तो अभी हाल फिलहाल में आयात तो अभी तक हुआ नहीं है, ना ही ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है। तो जब तक आयात नहीं हो रहा है, सोयाबीन में तेज़ी का रुख एज इट इज़ बना रहेगा, और अगर आयात हो भी जाता है तो सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा नहीं टूटेंगे, क्योंकि सोयाबीन का जो वैश्विक उत्पादन है वो ही कम है और जो डिमांड है वो ज़्यादा है। वैश्विक ऑयल सीड्स की जो ग्लोबली ऑयल सीड्स के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। और दूसरा, ऑयल सीड्स यानी तिलहन के जो दाम हैं 2022 और 2021 में ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से किसानों का जो रुझान है इसकी बुआई की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। तो 2022 में सोयाबीन की जो बुआई है वो भी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा, और मानसून पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि 2021 में भी किसानों के अकॉर्डिंग सोयाबीन का जो उत्पादन था वो कम था, और सोपा के मुकाबले सोपा ने 119 लाख टन का टारगेट दिया था, लेकिन फिर मानसून से बारिश भी हुई थी और सोपा ने भी अपना उत्पादन अनुमान घटा दिया था, और एक बार नहीं कई बार घटाया था। तो ऐसे में वेदर कंडीशन पर भी यानी मौसम पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि सोयाबीन का उत्पादन कैसा रहता है और आगे कीमतें क्या रहती हैं। अभी कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल में जो वर्तमान में जो फंडामेंटल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जानकारों को सोयाबीन में तेज़ी ही नज़र आ रही है।